आज हम लोग बात करेंगे एसी एंड चिलर के कॉमन फॉल्ट्स के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर किसी भी टाइप का एयर कंडीशनर हो, चिलर प्लांट हो, चिलर सिस्टम हो, चाहे वो एचवैक सिस्टम हो, पैकेज एसी हो, या एएचयू हो, या एफएएचयू हो, या फिर कोई भी एयर कूल्ड चिलर हो, या वाटर कूल्ड चिलर हो, विंडो एसी हो, या स्प्लिट एसी हो, तो ये जितने सारे भी एयर कंडीशनर सिस्टम हैं, इसमें मैं आप लोगों को बेसिक थिंग्स बताऊंगा, पांच ऐसे कॉमन फॉल्ट्स बताऊंगा जो आप लोगों को इजीली ट्रबल शूटिंग करने में काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला थिंग्स कि कोई भी चिलर प्लांट, एसी, स्प्लिट, विंडो, पैकेज, एचयू या वीआरवी, वीआरएफ सिस्टम, कोई सा भी एसी है, अगर वो बंद हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो हमको सबसे पहले जाके फर्स्ट स्टेप क्या है, वो पावर देखना है, इलेक्ट्रिसिटी है या ट्रिप हो गया, उसके बाद उसके आगे का कारण देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पावर ऑफ हो गया, तो उसको ऑन करके स्टेटस देखेंगे या पहले सिस्टम को चेक कर लेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद हम लोग उसको पावर ऑन करेंगे। और अगर पावर ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर फिर हम एरर पे जाएंगे, अलार्म पे जाएंगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, पावर चेक करना है। पावर अगर नहीं है तो पावर ट्रिप है, तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कंप्रेसर कहीं ग्राउंड तो नहीं हो गया, मोटर ग्राउंड तो नहीं हुआ है, या कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, जिसके कारण अक्सर ये पावर ट्रिप हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, उसके बाद ही पावर स्टार्ट करें। बिल्कुल सेफ्टी से काम करें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को रीज़न चेक करना है। अगर नहीं मिलता हो रीज़न, तो मेगर लगा के, जो मेगर मीटर हमारा आता है, वो लगा के ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद अगर पावर नहीं थी तो हमने रीज़न चेक करके उसको सॉल्व करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। जो दूसरा कॉमन फॉल्ट है वो क्या आता है कि पावर है लेकिन हमारा एसी नहीं चल रहा है, हमारा चिलर नहीं चल रहा है, हमारा वीआरएफ नहीं चल रहा है। तो पावर होने के बाद जब नहीं चल रहा है, मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इससे क्या कूलिंग इफेक्ट पड़ती है, कूलिंग नहीं हो रही है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो दूसरे में सबसे पहले बता दूँ आपको चिलर प्लांट के बारे में, स्टेप स्टेप नीचे जाऊँगा मैं। तो चिलर प्लांट में अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या करना है, हमने अगर कंप्रेसर बंद हो गया है तो उसका रीज़न देखना है, अलार्म उसमें चेक करना है कि किस रीज़न से ये कंप्रेसर बंद हुआ। क्या ये हाई डिस्चार्ज प्रेशर था, या लो एवोपरेटर टेम्परेचर था, या इसमें लो गैस रेफ्रिजरेंट प्रेशर था, या फिर इसमें क्या कारण था। तो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, लो ऑयल प्रेशर, बहुत सारे इसमें अलार्म आते हैं। तो वहाँ से आप लोग ये देख लेंगे कि इसमें क्या अलार्म आया है, वहाँ से क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात करूँ तो पैकेज एसी या वीआरवी वीआरएफ है, तो वीआरवी वीआरएफ की बात करूँ तो उसमें कोई भी एरर आया होगा, तो एरर कोड आप वहाँ से देख के और उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसमें भी आएगी जो मैंने आप लोगों को चिलर में बताया, जैसे लो गैस, या फिर हाई डिस्चार्ज प्रेशर, या फिर लो सक्शन प्रेशर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं, या कोई सेंसर, या फिर कोई ट्रांसड्यूसर, ये एक्सपेंशन वाल्व, तो ऐसे इशू आपको शो कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। स्प्लिट विंडो और पैकेज की बात करूं तो उसमें भी अक्सर यही प्रॉब्लम आती है, उसमें अलार्म आपको शो नहीं करेगा, पैकेज में भी कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, जहां पे सेफ्टी स्विचेस नहीं लगे होंगे। सेफ्टी वैसे सभी यूनिट में यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं पे शो करता है, कहीं पे नहीं करता है। बहुत सारे डीएक्स यूनिट में एलपी एचपी ऐसा डिस्प्ले में आता है, तो वहाँ से हम लोगों को वो भी मालूम चलेगा, मैनुअली हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ हमको सेकेंड स्टेप में चेक करनी है। और जो थर्ड थिंग्स है कि उसको कैसे हमें समझ में आएगा, तो आप लोगों को मैंने अभी जैसे बताया कि अलार्म चेक करना है दूसरे स्टेप में, और थर्ड स्टेप पर आप लोगों को वो चेक करना है कि कौन सा पार्ट्स ख़राब है। अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर ट्रांसड्यूसर ख़राब है, या ट्रांसड्यूसर फेलियर दिखा रहा है, या ट्रांसड्यूसर में प्रेशर सही नहीं बता रहा है, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ का जैक जो लूज़ होता है, जैक कई बार लूज़ हो जाता है, उसको चेक करना है।
उसको टाइट करना है और सीआरसी से क्लीन करना है। ऐसे छोटे मोटे दूसरे एसी जो हैं उसमें भी ये दूसरे टाइप से ये प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपको जैसे विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, इसमें कई बार आइस आता है, तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। तो थ्री स्टेप में ये आप कर लेंगे और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व कर लिया। और फाइव स्टेप क्या है, फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपका यूनिट बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी व्हाट्सएप वगैरह पे, जिस चीज़ पे भी आप लोग चाहे तो मेरे वीडियो के लिंक को सेंड करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।